आइए देखते हैं हमारे सीटेट का सिलेबस क्या है। एक से पाँच तक की प्राथमिक स्तर के लिए देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है। सबसे पहले क्या है, बाल विकास में आपका सबसे पहले दिया गया है विकास की अवधारणा। अवधारणा से कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट। विकास की अवधारणा क्या है, विकास शब्द आया कहाँ से, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है। दूसरा है हमारा बालकों के विकास का सिद्धांत। देखिए क्या है, विकास की अवधारणा क्या है और विकास के भी सिद्धांत हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, विकास की अवधारणा पे पढ़ना है और उसका संबंध किससे, उसका संबंध बालक से, फिर बालकों का विकास। तीसरा हमारा टॉपिक है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण। जैसा कि हम जानते हैं कि बाल विकास में जो दो पक्ष हैं, जो दो कारक हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं बाल विकास पे, वो क्या है, हमारे पर्यावरण और अनुवांशिकता। इसका भी हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। अगला है सामाजिकरण प्रक्रियाएं। समाजीकरण प्रक्रिया समाज एवं बालक क्या है, समाजीकरण प्रक्रिया है समाज एवं बालक, जिसमें आपके आते हैं समाज में आपके आते हैं शिक्षक, अभिभावक और मित्रवर्ग। बालक का समाज क्या है, शिक्षक है, अभिभावक है और इसके मित्रवर्ग। समाजीकरण प्रक्रियाओं में आपको ये बताया जाएगा। ये टॉपिक आपकी जो है, जो कि मैम एक बार पढ़ा चुकी है, लेकिन इस टॉपिक पे हम फिर से पढ़ेंगे अगले बैच। अगला है आपका सीखने का सिद्धांत। कई मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है उसमें आपके वाइगोट्स हैं। बहुत लोग इसे वाइगोत्स्की भी कहते हैं, अंग्रेजी में वाइगोत्स्की ये गॉट्स्की, हिंदी में वाइगोत्स्की भी और वाइगॉट भी कहते हैं। इस दूसरे हैं आपके कोहलबर्ग और आपके हैं पियाजे। वाइगोट्स्की, कोहलबर्ग और पियाजे आपकी ये तीन जो मनोवैज्ञानिक हैं, ये सबसे मेन है आपके सीटेट में पूछे जाएंगे, जिन्होंने बताया है बालक में आदत निर्माण और संदर्श। इसमें से आपको दो टॉपिक पढ़ना है, निर्माण एवं विभेदित संदर्श इसमें, और फिर आपको इसमें देखना बाल केंद्रित शिक्षा। अभी क्या चल रही है हमारी नए परिवेश में चल रहा है बाल केंद्रित
वैदिक काल वगैरह में, बुद्धिस्ट काल वगैरह में आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या बताया गया है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी। वहाँ पे जितने भी नियम कानून बनाए जाते थे, जितने भी पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाती थी या पाठ्यक्रम होता था, वो किसके अनुसार तय किया जाता था, शिक्षक के, और शिक्षक को ध्यान में रख के उन सारी चीज़ों का निर्माण किया जाता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, बालक को देख के, बालक को केंद्र बना के उनके अनुसार जो है कि बालक इसमें रुचि लेगा, कौन सा पाठ्यक्रम चलाना चाहिए, कौन सी किताबों में कौन सी कहानियाँ रखनी चाहिए, सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, बालक पे, बालक को केंद्र मान के सारी चीज़ों का निर्धारण किया जाता है। और अगला है आपका बौद्धिकता, अगला टॉपिक है बौद्धिकता, इसी का कहते हैं इंटेलिजेंस। ये टॉपिक आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा होगा कि ये टॉपिक बहुत दिन तक चला है, इसमें आपके जो है बुद्धि क्या है, बुद्धि शब्द कहाँ से आया है, और इसका जो है संकुचित अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके कितने परीक्षण हैं, बुद्धिलब्धि क्या है, इस शब्द को सबसे प्रथम किसने यूज़ किया था, फिर इसके बाद आपका इसी में आ जाता है कितने प्रकार की हैं, इसके परीक्षण कौन कौन से हैं, इसके परीक्षण कौन कौन से हैं और इसके सिद्धांत कौन से हैं। ये टॉपिक हमने, इसकी वीडियोज़ पहले से बनी हुई हैं, फिर से ये आपको पढ़ाया जाएगा, अगर आपको पहले देखनी है तो आप वो भी अवेलेबल है, आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल सकता है। अगला आपका बहुआयामी बौद्धिकता, बहुआयामी बौद्धिकता, आप देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल थ्योरी आपने पढ़ा होगा, थ्री डायमेंशनल थ्योरी, मल्टी डायमेंशनल थ्योरी, ये आपके अगले सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। इस सिलेबस में आपका जो है फिक्स जो सारी चीज़ें हैं, क्या है इसमें से, आपने देखा कि बाल विकास की अवधारणा है, बाल विकास की अवधारणा है, उसके जो है सिद्धांत क्या हैं, और सामाजिककरण प्रक्रियाएँ क्या हैं, वाइगोस को है, गर्गर वाइगोस की के सिद्धांत क्या हैं, और बाल केंद्रित शिक्षा बौद्धिकता, बहुआयामी बौद्धिकता। इसके आगे देखिए आपका अगला है भाषा और चिंतन। बाल विकास में आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा प्रमुखता या प्राथमिकता किसको दी जाती है, बालक की बोली भाषा पे दी जाती है। दूसरी बात होती है चिंतन, अभी आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, चिंतन पढ़ाया नहीं गया है, भाषा एवं चिंतन, भाषा एवं चिंतन। आपने देखा होगा कि बालक जब 9-10 महीने का होता, उससे पहले तो रोना गाना उसका शुरू रहता है, लेकिन जैसे बालक धीरे धीरे 5-6 महीने का होता है तो मम कहने लगता है पानी को, और फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, माँ कहने लगता है, घर में परिवार है तो भाई बहन, दीदी भैया, पापा कहने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, बालक की जो है शैली वो इंक्रीज़ करने लगती है, शब्द भंडार बढ़ने लगता है, और वो ये जो भाषा होता है वो अपने आस पास के समाज से सीखता है। बालक का समाज क्या हो, कौन हुआ, उसका परिवार, उसके माँ बाप और उसके परिवार, वो जैसी भाषा बोलते हैं, अच्छी उचित अनुचित खराब, जैसी वाणी वो बोलते हैं, जैसी भाषा वो बोलते हैं, बालक क्या करता है, उसी का अनुकरण करता है या अनुसरण करता है। चिंतन भी इसी स्तर में आता है, चिंतन के कई स्तर से हैं आपके, क्या है चिंतन के कई स्तर हैं, आपने देखा होगा क्या होता है सबसे पहला स्तर आपका, सबसे उच्च स्तर है चिंतन, चिंतन का सबसे उच्च स्तर क्या है, लेजिस्फियर या चिंतन। चिंतन कहने का अर्थ है कि इंसान जब बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ पे क्या होता है, ध्यान केंद्रित हो जाता है, बार बार उसी विषय के बारे में सोचता है, क्या करता है, सोचता है। ये जो आपका बोध स्तर हो गया, उसमें क्या होता है, बालक क्या करता है, स्मृति स्तर हो गया, क्या स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, ये सारे क्या है, अधिगम के स्तर है, किसके अधिगम के स्तर, अधिगम के स्तर। इसमें क्या होता है, बालक चीजों को क्या करता है, देखता है, समझता है, उसका स्मरण करता है, धीरे धीरे क्या करने लगता है, इसमें बोध शक्ति का विकास होता है बालक में,
क्या करता है, उसमें बुद्धि शक्ति का विकास होता है और चीज़ों के बारे में वो क्या रखने लगता है, समझ रखने लगता है, उसका बोध करने लगता है, संज्ञान करने लगता है और संप्रत्यय डेवलप करने लगता है या संप्रत्यय का विकास करने लगता है या निर्माण करने लगता है। धीरे धीरे वो क्या करता है, चिंतन स्तर में प्रवेश करता है। कहाँ? चिंतन स्तर में प्रवेश करता है। इस स्तर पर आने के बाद बालक क्या करता है, जब चीज़ों को देखता है, संज्ञान लेता है, इसके बारे में वो क्या स्टार्ट करता है, एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है और इसके विषय में क्या करता है, सोचने लगता है, इसके बारे में चिंतन करने लगता है। किसी भी विषय वस्तु पे, किसी भी वस्तु विशेष पे वो क्या करता है, जो अपनी प्रतिक्रिया करता है, उसके बारे में सोचता लिखता पढ़ता है, वही क्या कहलाता है, उसका चिंतन कहलाता है। और अगला है आपका समाज निर्माण या लिंग भेद। समाज निर्माण में आपके कई सारे टॉपिक्स आते हैं, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। समाज निर्माण में आपका टॉपिक है लिंग भूमिकाएं, लिंग भूमिकाएं। लिंग भूमिकाएं क्या है आपका, आप देख रहे हैं हमारे समाज में कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है और वुमेन और मेंस को लेके, वुमेन और मेंस का कहने का मतलब पुरुष और महिला को लेके, आप देखते ही हैं, देख ही रहे हैं कि दैनिक जीवन में कि पुरुषों को महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमजोर समझा जाता है। वेतन को लेके भी आपने देखा हुआ नियम बना हुआ है कि लिंग भेद न रखे क्या क्या जाए, समान वेतन दिया जाए, बहुत सारे आपके नियम हैं। वो जो समाज निर्माण में क्या है, लिंग की जो भूमिका है उसके विषय में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। और इसी में आता है लिंग पूर्वाग्रह, लिंग पूर्वाग्रह, इसमें भी हमें ये इसके विषय में अध्ययन करना है क्या कि ये लिंग पूर्वाग्रह है क्या। अगला है शैक्षणिक व्यवहार, शैक्षणिक व्यवहार से कहने का अर्थ है कि कैसा व्यवहार, शैक्षणिक शिक्षा के स्तर पे कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, टीचर का कैसा व्यवहार होना चाहिए, बालक का कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। और ये क्या करता है, ये सारी चीज़ें जो है समाज निर्माण में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं या प्रभाव डालते हैं। अगला है हमारा टॉपिक अधिगम मूल्यांकन और अधिगम के लिए मूल्यांकन। अगला है पहला आपका व्यक्ति विभिन्नता, इस टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं व्यक्तिक भिन्नता, इसमें आपने देखा कि ये एक्चुअली में है क्या और जो है इसके कौन कौन से कारक हैं, इसके कारण क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या है। और हमने ये भी देखा कि कौन कौन से परीक्षण बनाए गए हैं जो व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन करते हैं या कौन कौन सी विधियाँ हैं जो व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हमने इसमें ये भी पढ़ा कि शैक्षिक स्तर पर इसका क्या प्रयोग है, हमारे जो है दैनिक जीवन में शिक्षा में या शैक्षिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर इसका क्या प्रयोग है या इसका क्या एडवांटेजेस है। अगला आपका है अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम के लिए मूल्यांकन अधिगम का मूल्यांकन क्या, अधिगम के लिए मूल्यांकन कहने का मतलब सीखने के लिए मूल्यांकन करना, सीखने के लिए मूल्यांकन करना। और क्या, अधिगम का मूल्यांकन, कितना सीखा उसका मूल्यांकन करना। ये टॉपिक आपको ज्योति मैम पढ़ा चुके हैं, उनके वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जो है कांटेक्ट करके उनसे ले सकते हैं। और अगला है इसी में आपका 15 नंबर का जो प्रश्न आपका पूछा जाता है, जो पार्ट है आपका पार्ट ए,
इसमें ये लास्ट टॉपिक है, क्या है शिक्षार्थी की तैयारी के स्तर मूल्यांकन के लिए, क्या शिक्षार्थी के लिए मूल्यांकन के स्तर और फिर आप देखेंगे इसी में है आपका कक्षा में शिक्षण और कक्षा में शिक्षण तथा चिंतन के लिए शिक्षार्थी की उपलब्धि इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि शिक्षार्थी की तैयारी के स्तर और उसने कितनी उपलब्धि हासिल की, मतलब उसने कितना पढ़ा, और उसका जांच हम किसके द्वारा करते हैं, मूल्यांकन के द्वारा। जब हम मूल्यांकन करेंगे तभी तो हम देखेंगे कि शिक्षार्थी ने किस स्तर तक पढ़ाई की और उसे कितनी उपलब्धि मिली। इस जो है इस पार्ट ए में हम इतना ही देखेंगे और पार्ट बी में हमारा क्या है, समावेशी शिक्षा, क्या है खंड बी या पार्ट बी में हमारा है समावेशी शिक्षा, ये आपका कितने नंबर का प्रश्न आता है, ये आपका 5 नंबर का प्रश्न आता है। इसमें से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन रखे जाते हैं, जिसमें से समावेशी शिक्षा में आप देख ही रहे हैं किस प्रकार की शिक्षाएं आपकी चल रही है, एकीकृत शिक्षा भी चल रही है और फिर सामूहिक शिक्षा भी चल रही है, बहुकक्षा शिक्षा चल रही है। उसमें ये जो है समावेशी शिक्षा एक नया टॉपिक, नए प्रतिरूप के रूप में हमारे जो है सिलेबस में शामिल हुआ है, और ये उन लोगों के लिए भी, ये उन लोगों के लिए शिक्षा का द्वार है जिन लोग जो है समाज से किसी न किसी वजह से क्या हो जाते थे, शिक्षा से वंचित हो जाते थे, उनके लिए ये सरकार की नई पहल है कि उन तक ये शिक्षा पहुँचाई जा सके, जिसमें आपका है विभिन्न, इसमें आपका है विभिन्न पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थी, कहने का अर्थ है किसी भी स्तर, वो आपका जो है चाहे शैक्षिक स्तर हो गया या सामाजिक स्तर हो गया या आर्थिक स्तर हो गया, किसी भी पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थी को शिक्षा देना किसके अंतर्गत आता है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसी में है अधिगम संबंधी समस्याएं, आपका अगला है इसी में पार्ट टू में अधिगम संबंधी समस्याएं, आप देखिए उन्हें क्या आता है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या, पठन अक्षमता, तो ये हम देखते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें क्या होता है, बुद्धि लब्धि क्या होती है, सामान्य से अधिक होती है या विशिष्ट बालक होते हैं जिन्हें कुछ शब्दों में क्या होती है, कठिनाई होती है, कुछ विशेष शब्दों में, कुछ विशेष अक्षरों में या कुछ विशेष चीज़ों को पढ़ने में, चाहे वो आपका गणित हो गया चाहे अंग्रेजी हो गया, उसकी कुछ विशेष चीज़ों को पढ़ने में ये क्या दिखाते हैं, थोड़ी सी अक्षमताएँ इनमें होती है, थोड़ी सी उनको कठिनाई होती है। अगला है इसमें डिफरेंट प्रकार के जो स्टूडेंट हैं आपके, उनकी जो नीड्स हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें शिक्षा देना, क्या है आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण, किसके अनुसार आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण,
बालक है, जो डिफरेंट प्रकार के बालक होते हैं, विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं। विभिन्न प्रकार कहने का मतलब प्रतिभाशाली हो गए हैं आपके, और क्या हो गया, मन बुद्धि बालक हो गए हैं, और सामान्य बालक हो गए हैं। उन सब बालकों के अनुसार जो शिक्षण विद्या होती है उनको तैयार करना और उनके अनुसार ही क्या देना, बालकों को शिक्षा देना। कहने का अर्थ है कि अगर विशिष्ट बालक है, बहुत मेधावी छात्र है, तो उसके अनुसार क्या करना, अपने पाठ्यक्रम को बनाना या अपने लेसन प्लान जो आप पढ़ा रहे हैं, सामान्य को जो पढ़ा रहे हैं उसको उससे ज़्यादा किसकी आवश्यकता है, विशिष्ट वालों को उससे अधिक शिक्षा की आवश्यकता है या उससे ऊँचे स्तर की शिक्षा की आवश्यकता है, तो आप उसकी क्या करेंगे, व्यवस्था करेंगे या उसकी आवश्यकता को पूरा करेंगे। अगर जो है मन बुद्धि बालक है और इसे क्या है, उसे ज़्यादा समय चाहिए या वो आपसे ज़्यादा, आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आप उस बालक को ज़्यादा ध्यान देंगे और उसकी आवश्यकता को, उसकी आवश्यकता की पूर्ति कराएंगे। अगला आपका खंड है खंड सी, इसमें अधिगम और अध्यापन है। क्या है पार्ट सी,